हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी का रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद जल्द ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम बात करें कि अगर आपके फॉर्म में त्रुटि हो गई है तो सुधार का जो अंतिम मौका है करेक्शन करने का, फॉर्म करेक्शन करने का वो अंतिम मौका आप लोगों के पास है, तो आप लोग फॉर्म में त्रुटि का सुधार कैसे कर सकते हैं ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और पीटीटी की कॉलेज की जो लिस्ट है वो कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग अपना फॉर्म करेक्शन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो देख सकते हैं कि मैं पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर हूँ, तो सिंपली आपको क्लिक हेयर फॉर बीएड टू ईयर कोर्स यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते तो एक पेज ओपन हो जाता है, तो देख सकते हैं पेज ओपन हो चुका है। तो सिंपली आपको करेक्शन पैनल पर क्लिक करना होगा। जब आप करेक्शन पैनल पर क्लिक कर देते हैं तो एक और पेज ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, नोट पीटीटी 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन के लिए नीचे दी गई प्रविष्टियों को भरकर लॉगिन किया जाना है। लॉगिन करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में अपेक्षित संशोधन पश्चात लॉक किया जाना आवश्यक है। अपेक्षित संशोधन के पश्चात लॉक किए गए संशोधन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको अपना फॉर्म नंबर, मदर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर देने के बाद आप अपना फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉलेज की लिस्ट आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, उसका भी तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो जो भी नए बच्चे हैं और जिन बच्चों को पीटीटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है काउंसलिंग से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक की, तो जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने पहली बार एग्ज़ाम दिया है पीटीटी का, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कॉलेज कैसे देख सकते हैं आप अपने क्षेत्र का। तो सिंपली आपको गूगल में टाइप करना होगा nct.gov.in, इतना टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जो भी शहर आपके हैं सारे शहर आ जाएंगे, देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अलवर के कॉलेज देखने की, अलवर में बीएड के कौन कौन से कॉलेज हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और देख सकते हैं सारे कोर्सेज आ चुके हैं। तो सिंपली आपको बीएड पर क्लिक कर देना है, फिर सर्च कर देना है। तो अलवर में जितने भी बीएड के कॉलेज होंगे सारे कॉलेज आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, देख सकते हैं सारे कॉलेज आ चुके हैं। मान लीजिए जैसे कि आप, अगर आपको भरतपुर के कॉलेज देखने हैं तो भरतपुर क्लिक कीजिए और सिंपली आपको बीएड पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर देने के बाद सर्च कर देना है, तो भरतपुर में जितने भी कॉलेज होंगे सारे कॉलेज आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखिए स्क्रीन पर सारे कॉलेज आ चुके हैं बीएड के, आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी आपके आसपास कॉलेज हैं आपके एरिया में आसपास के कॉलेज एक कागज़ पर नोट कर लीजिए और काउंसलिंग के टाइम उन्हीं कॉलेज को आपको फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलेज देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से बीएड के कॉलेज हैं। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है और उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।